मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक तो आपको पढ़ाई करना है या फिर यूट्यूब पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है। आपको पढ़ाई करना है या फिर मोबाइल में गेम्स खेलना है, तो आपका माइंड जिसे आप मन कहते हो वो क्या चूज़ करेगा? 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट का माइंड यूट्यूब के वीडियोज़ को चूज़ करेगा, मोबाइल गेम्स को चूज़ करेगा। अब सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बोरिंग चीज़ है और यूट्यूब के वीडियोज़ और मोबाइल गेम्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें हमारे माइंड को हमारे मन को बहुत ही मज़ा आता है। कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता और जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ तो बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है और सिर्फ कुछ ही देर के लिए फ़ोन पर जाते हैं लेकिन घंटों बिता करके आते हैं उस फ़ोन पर, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों होता है ये सब? देखो, आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। देखो, आग तभी लगेगी जब लकड़ियाँ सूखी होगी, गीली लकड़ियाँ कभी नहीं जलेगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो वो नहीं जलेगी, बल्कि तुम जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा धुआं करेगी। उसी तरह से तुम कितने ही वीडियोस देख लो, कितने ही तरीके आजमा लो, जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, और पर्पस भी गीला नहीं सूखा, सूखा से यहाँ पर मेरा मतलब है कि ऐसा पर्पस जो आपको मजबूर कर दे हर वो काम करने पर जिससे कि आपका पर्पस पूरा होगा। वरना लोगों की ज़िंदगी में ड्रीम्स तो है, गोल्स तो है, लेकिन उनको पाने के लिए अंदर जो जुनून होना चाहिए वो नहीं है और इसीलिए उनकी पूरी ज़िंदगी में धुआं ही धुआं हो रखा है। हर इंसान के अंदर से ये बात तो होनी चाहिए कि यार ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं मरना है, कुछ ना कुछ तो करना है। और चलो मान लिया कि आप बहुत कुछ बड़ा नहीं भी कर सकते, लेकिन अंदर से ये तो होना चाहिए ना कि मेरी जो अभी की सिचुएशन है इससे मुझे थोड़ा ऊपर उठना है। अगर आपके अंदर से ये भी है ना, सच में दिखावा करने के लिए नहीं, अगर सच में आपके अंदर से ये भी है कि यार मुझे अभी की जो सिचुएशन है उससे मुझे थोड़ा ऊपर उठना है, तो ये भी बहुत है। अगर आपके अंदर से ये भी है ना, तो आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कहीं पर भी ये नहीं देखना पड़ेगा कि पढ़ने में मन कैसे लगाएं, आलस को कैसे दूर करें, बल्कि थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को बता दोगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आलस को कैसे दूर करें। और ना सिर्फ पढ़ाई, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करो, अगर सच में आपके अंदर से कुछ बड़ा करने का नहीं है ना, तो कितना इंटरेस्टिंग काम क्यों ना हो आपको उसमें भी आलस आने लग जाएंगे। लेकिन अगर अंदर से कि कुछ बड़ा करना है तो कितना ही बोरिंग काम क्यों ना हो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और मेहनत इतनी करो कि जब भी कोई तुम्हारी कहानी सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं।